अचानक से यहाँ आगरा एयरपोर्ट से, गोरखपुर एयरपोर्ट से, बागडोगरा एयरपोर्ट सिलीगुड़ी से अचानक एयरफोर्स के विमान हवा में उड़ते हैं और तहलका मचा देते हैं कहाँ पर, पूरी पाकिस्तान में। इतना डरपोक था सब कि रात भर उन सब को डिफ्यूज करने में लग गया। सुबह जब रोशनी हुआ तो पता चला खाना खाने वाला टिफिन है। देखिए पहले ये बांग्लादेश नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। पाकिस्तान इस साइड में पश्चिमी पाकिस्तान था और ये साइड में पूर्वी पाकिस्तान था। अब आप देखिए ध्यान से समझिए, जिस देश इस देश का मतलब कर्ता धरता था जिन्ना, खैर नाथूराम गोडसे थोड़े से गलती हो गई, उसको गलत आदमी का एड्रेस बता दिया गया। वो मारना चाहता था जिन्ना को, मार दिया किसको, गांधी। गलती हो जाता है ना कभी कभी, आदमी गलती से ईंटा चला के दूसरे को मार देता है, फिर कहता जा हल्ला गिलो नहीं ईंटा उटा चलाता है दूसरे को मार देता आदमी। नाथूराम गोडसे को जिन्ना को निपटाना चाहिए था और 5 साल पहले निपटाना चाहिए था, शिमला सम्मेलन से पहले 1944 में, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 44 के बाद तो कंट्रोल के बाहर हो गए। सरदार पटेल जिसने भारत को यूनाइट किया उसने तक साइन कर दिया भारत के विभाजन पे। सोचिए सरदार पटेल ने भी कितना उब गए होंगे, क्योंकि 44 के बाद जिन्ना उघारे नाच रहा था, मतलब जहां तहां दंगा करा रहा था, जहां तहां दंगा करा था। मजबूरी बन गई थी भारत का विभाजन, मजबूरी हो गई थी यहां पर। 44 से पहले नाथूराम गोडसे निपटा दिया रहता ना, कामे बन गया रहता यहां पे। अब लेकिन देखिए जिन्ना को भी देखिए कैसे, जो देश का विभाजन किया ऐसे कहीं देश मांगा जाता है ये दिमाग देखिए उन गधों का, ऐसे कोई देश मांगता है कि ये वाला एरिया मेरा, ये वाला एरिया मेरा। वह देश कभी आगे नहीं जा सकता है जिसकी नींव संविधान नहीं बल्कि धर्म के आधार पर रखी गई हो, कभी आगे नहीं जाएगा, क्योंकि धर्म ऐसा चीज है जिसमें अपडेट नहीं हो सकता, अपडेट नहीं चाहिए। और दुनिया किस पर चलती है, अपडेट। धर्म में अपडेट कीजिएगा बवाल हो जाएगा, तनी अपडेट करके देखिए ना आप, तनी तुरंत मार हो जाएगा, पहले आप ही को फॉर्मेट मार देगा। आए हैं यहाँ पे प्ले स्टोर पे अपडेट करने के लिए, मारेगा फॉर्मेट मार चल जाएगा आप। इसलिए वो देश हमेशा पीछे चला जाता है, धर्म की बुनियाद पे रहेगा तो। इसलिए धार्मिक चीजों के लिए आपके लिए उम्र है 50 साल के बाद, आप सब लोग धार्मिक चीजों में जाइएगा। अभी आप करियर बनाइए, करियर बन जाए तो परिवार को देखिए, परिवार बन जाए तो आप देश के प्रति करिए कि हमको देश के लिए कुछ करना है। बूढ़े उड़े हो जाए 50-55 आराम से, रिटायरमेंट प्लान सबके लिए सेट, आप अपने भजन कीर्तन नमाज कुरान गुरुद्वारा में लग जाइए, एकदम बढ़िया से लग जाइए। अभी नहीं, अभी आपका उम्र किस चीज का, पढ़ने का, करियर बना, नहीं तो ये गधों की तरह हो जाएगा, दो जगह ले लिया यहां से। दिमाग से ज्यादा जिन्ना के पास घमंड था, अरे भाऊ जिन्ना ठीक आदमी था ही नहीं, समझ में आ गया कि नहीं। जिन्ना के बाप की एक ही गलती थी, जिन्ना उसका बाप बहुत अच्छा आदमी था लेकिन उसके जीवन में एक ही गलती होगी क्या, जिन्ना और नाथूराम गोडसे की और गलती। या तुमको उस समय कोई उसको मार्गदर्शन देने वाला नहीं था, 44 के टाइम पे ही निपटा देता ना, कोई दिक्कत नहीं होता, यकीन मानिए नहीं दिक्कत होता। जिन्ना ने मजबूर कर दिया, गांव गांव में जब दंगे होंगे तो आप क्या कहिएगा जी, जिन्ना ने स्पष्ट बोला था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, खुलेआम कोई बोलता है कि हम दंगे कराएंगे, वो चोट्टा खुलेआम बोल दिया और भयानक से भयानक हो गए। खैर उसको आप सुधार नहीं सकते हो, उसको वो उसकी रूह भी उसको ना गाली दे रही होगी कि इसके शरीर में घुसे थे हम। आगे देखते हैं यहाँ पर, तो ये पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान, ये इतने कमीने हैं कि इनको कहते हैं कि रे बंगाली, यहाँ पे बंगाली भाषा बोली जाती है, क्योंकि भाई पूर्वी पाकिस्तान आज ना था, हमारा बंगला बंगाल था, क्योंकि ये जब था तो दोनों एक में थे सब बंगाल, तो अंग्रेजों ने देखा कि भैया यहाँ का मुसलमान भी पढ़ा लिखा है, यहाँ का हिंदू भी पढ़ा लिखा, अंग्रेजों को लग गया कि हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द यही होंगे, तो 1905 में इसने इसका विभाजन कर दिया, इधर रखा पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल, इधर रखा पूर्वी बंगाल ईस्ट बंगाल, समझ में गया। और वही ईस्ट बंगाल आगे जाके क्या बन गया, पूर्वी पाकिस्तान, और वही आगे जाके बांग्लादेश, और ये बेचारा पश्चिम बंगाल पश्चिम में रह गया, जबकि भारत के नक्शा के हिसाब से ये पूरब में है, दिख रहा है भारत के नक्शा के हिसाब से पूरब में, लेकिन वो भारत के हिसाब से थोड़ी विभाजन हुआ था, वो तो बंगाल का विभाजन हुआ था, इधर वाला पूर्वी बंगाल इधर वाला पश्चिम बंगाल। अब अंग्रेजों को अब ध्यान से आगे समझते हैं, तो जब देश आजाद हो गया तो अंग्रेज पाकिस्तानी जो थे सब इन लोगों के साथ गलत व्यवहार करते थे,
इन्हें काला कलूठा कहते थे। अब जैसे बंगाल के लोग नॉर्मल होते हैं, जैसे हम लोग का जो कलर होता है बंगाल में, कमोवेश लड़का मतलब एवरेज आदमी का यही कलर, कर्क रेखा के पास से गुजरेंगे तो ना गोरे होंगे ना काले ही होंगे, मीडियम रह जाएंगे वहां पर। अभी उसको काला कलूठा बोलते थे सब, नाटूर बोलता था सब। यहाँ पंजाब का एरिया है, पंजाबी लंबे लंबे होते हैं, आपको पता है कि ज्यादातर पंजाब पाकिस्तान में ही चला गया। हमारे यहाँ जो पंजाब बना है, देखते हैं पंजाबी कितने हिस्ट पुरुष होते हैं, इनको नाटा बकलोल बंगाली गाली देता था सब यहाँ पर। हद तब हो गया जब यहाँ के एक बहुत प्रमुख नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, वो चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद भी उनको शपथ नहीं दिलाया क्योंकि वो बंगाली थे। ऐसा हाल होगा, अभी बताइए अगर कोई बिहार से चुनाव जीतता है उसको इसलिए शपथ नहीं दिलाया जाता कि तुम बिहारी हो, तुम मंत्री कैसे हो सकते हो, गृह मंत्री कैसे हो सकते हो, प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हो, ये बिहार में बगावत होगी कि नहीं होगी? वही हाल हो गया यहाँ शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान को बुलाया गया कि आओ शपथ, नहीं दिलाया सब यहाँ पे शपथ दिलाने, और न तो बंदी बना दिया, कहा कि तुम बंगाली मंत्री प्रधानमंत्री बनेगा भाई, ऐसे बवाल हो गया यहाँ के लोगों के अंदर, बगावत हो गई यहाँ पर। जब ये लोग बगावत की मांग करने लगे तो पाकिस्तानी आर्मी गई यहाँ पर और 30,000 महिलाओं का रेप किए थे सब ये सब। इनसे आप कभी इंसानियत की उम्मीद मत रखिएगा, ये हरामी अपने देश के नहीं हुए सब, हम लोग के क्या होंगे सब, समझना, अपने देश के नहीं हुए सब। घर में घुस घुस मार दिया सब वहां के लोगों को। अब यहाँ के लोग पूरी तरह से त्रस्त हो गए, शेख मुजीबुर रहमान को यहाँ बंदी बना लिया गया। अब यहाँ आई इंदिरा गांधी, कहीं की चोट्टा कहीं का, तुम ढेर नौटंकी करता है। तुरंत बुलाई मानेकशॉ को, सैम हारमूस जी, प्रेम जी, जमशेद जी मानेकशॉ, पूरा नाम था उनका, हमारे सेनापति थे वो मानेकशॉ साहब। कहे कि युद्ध करिए, मारिए इसको। मानेकशॉ कहे कि नहीं, युद्ध कर ही नहीं सकते, अभी हम तैयार ही नहीं है, बरसात बाद ही युद्ध होगा। क्योंकि मानेकशॉ, इनको तो आइडिया नहीं था इंदिरा गांधी को, इनको चुनाव का आइडिया, युद्ध का आइडिया तो सेनापति को था। वो कहे कि बरसात का समय है, जून का महीना, आप कैसे कर दीजिए युद्ध, कोसी नदी बाढ़ लाएगी, महानंदा बाढ़ लाएगी, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आया रहेगा, पूरा बांग्लादेश दौड़ जाएगा, हम जाके मरेंगे वहां पे, नहीं लड़ेंगे। कैसा सेनापति है, कैसा सेनापति, कौन जी, बहादुरी और बेवकूफी में अंतर होता है। इंदिरा गांधी कहेगी था बताइए लड़ना कब है आपको। मानेकशॉ ने कहा था कि जब लड़ाई होगी ना तो लड़ाई लंबी चलेगी, हम चाहेंगे कि लड़ाई लंबी ना हो, लेकिन लड़ाई खींच जाती है लंबी, क्योंकि जितना हम प्री प्लान करके जाते हैं उतना होता नहीं है, हो सकता है लंबे हो जाए। तो इस बीच जब तक बरसात नहीं खत्म हो जाता है आप अंतर्राष्ट्रीय दौरा कीजिए और अपने गुटों को मजबूत कीजिए कि युद्ध के समय जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव आए तो आप कैसे झेलिएगा वहां पर। इंदिरा गांधी ने कहा कि अच्छा ही बात है। तो मानेकशॉ ने याद दिलाया, याद कीजिए आप लोग को, जब रूस फंस गया था श्रीलंका में, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो भारत ने वहां से अमेरिका को खदेड़ने में मदद किया था लिट्टे के थ्रू। यहां पर आप रूस से संबंध को ठीक कीजिए और इधर हम अपनी सेना को ट्रेनिंग देते हैं और इस समय सेना ट्रेनिंग भी ले लेगी यहां पर और साथ में उधर बरसात भी खत्म हो जाएगा। इस बीच यहां शेख मुजीबुर रहमान और बंगाली लोग पूरे भड़क चुके थे और उन लोगों ने अपनी एक सेना बना लिया, मुक्ति वाहिनी, और उस मुक्ति वाहिनी को हथियार कौन दे दिया, भारत, ट्रेनिंग कौन दे दिया, भारत। अब मुक्ति वाहिनी तैयार, बरसात का समय बीत गया, ठंडी का दिन आ गया, दिसंबर का महीना था, अचानक से यहां आगरा एयरपोर्ट से, गोरखपुर एयरपोर्ट से, बागडोगरा एयरपोर्ट सिलीगुड़ी से अचानक एयरफोर्स के विमान हवा में उड़ते हैं और तहलका मचा देते हैं। कहां पर, पूर्वी पाकिस्तान में एयरफोर्स पूरा तबाही मचा दी पूर्वी पाकिस्तान में, और नीचे पड़ी थी मुक्ति वाहिनी जिसकी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, इंडियन आर्मी। गोली चलाने वाला मुक्ति वाहिनी बंगाली था लेकिन उसका कमांडर भारतीय था, इंडियन आर्मी के कमांडर सब कमांड किया था उसको मार, क्योंकि गोली चलाने वाले को आइडिया नहीं ना रहता है कि कैसे मारना है, सेना को कैसे बिछाना है। एक आम आदमी को कह दो पटना शहर को घेरो तो पता नहीं चले, भीगने पहाड़ी पे पहुंच जाएगा उसका पूरा स्ट्रेटजी होती है ना। तो सेना का कमांड कौन कर रहा था, इंडियन आर्मी, और लड़ कौन रहा था, मुक्ति वाहिनी। इधर से नेवी लगा दिया गया, नीचे से किसे लगा दिया गया, नेवी, और नेवी इधर से जो तबाही मचाई जिसका कोई हद नहीं, और यहां लगाया गया था आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत जो था उसी के जगह दूसरा बनाया गया, आईएनएस विक्रांत 2 है, जैसे बाहुबली महेंद्र बाहुबली के जगह पे अमरेंद्र बाहुबली, वैसे विक्रांत तबाही मचा दिया। और देखते देखते महज एक हफ्ता में जो पाकिस्तान की यहां आर्मी थी वो सरेंडर बोल गई, आर्मी थोड़ी चुट्टा बलात्कारी था सब, उसे
मारा सब इंडियन आर्मी वाला घुस घुस के, अब मुक्ति वाहिनी वाला वो जान लिया सब ना, क्योंकि उनको देश के लिए भी लड़ाई लेना था, अपनी बहन बेटियों की इज्जत का भी बदला लेना था, गोली घुस घुस के मारा सब, वहां मरने के बाद भी मारा था सब मुक्ति वाहिनी वाला, मार चट्टा कह क्या पाकिस्तानी तुम लोग। बहुत बुरी तरह यहाँ पाकिस्तानी मरने लगे सब। अब यहां से पाकिस्तानी सेना री इन्फोर्समेंट के लिए हवाई जहाज से उड़ान भरी, मार के जयपुर के ऊपर गिरा दिया सर। चट्टा कहीं का कि तू तो पगला हो गया है, ऊपर से जाएगा तुम, यहां से ऊपर से मार के गिरा दिया। एयरफोर्स जा नहीं सकी, पैदल आर्मी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाए यहाँ पे, हिल के जाएगा पैदल यहां से, बिहार बीच में पड़ता है लौटेबे नहीं करते लोग, कसम से बता रहे हैं। अगर तुम एक बार कोई बिहार से जाए, हम पकड़ेंगे जिसको, हम तो नहीं ये लौटाएंगे, चाहे तुम यूएनओ में केस करो, जनेवा में केस करो, नहीं लौटाएंगे। स्टाफ रखेंगे यहाँ, लाइन लगाएगा वो नहीं जान, आई कार्ड चेक करने में लगाएंगे यहाँ पे सब, यहाँ पे ना लौटाएगा आदमी यहाँ पे, छोटा फ्री में मिल रहा है, बंधुआ मजदूर काहे छोड़ेगा आदमी। पुरानी यादें ताजा होंगी, हमारे पूर्वज बंधुआ मजदूर रखते थे यहाँ, गए नहीं यहाँ पर। उसके बाद उसने सोचा नेवी से लौटा जाए, तो पाकिस्तानी नेवी इधर से निकली। जब पाकिस्तानी नेवी इधर से निकली, मार के धज्जी उड़ा दिया सब नेवी का, पूरी तरह से तबाह हो गया पाकिस्तानी नेवी। अब भारत के सामने जीत एकदम हाथ में आ गया था, एक हफ्ता के अंदर अंदर पाकिस्तान लग गया था कि अब हारेगा। लेकिन पाकिस्तान ने एक बहुत खतरनाक चाल चला, उसको पता था कि इंडियन आर्मी इस साइड में ध्यान नहीं दी हुई है, और हकीकत में यहाँ एक जगह है लोनेवाला, लोंगेवाला में महज 120 फौजी तैनात थे, महज 120 फौजी, और उनके जो कमांड जो मेजर थे कर्नल मेजर चांदपुरी, कौन थे मेजर चांदपुरी, महज 120 फौजियों की टुकड़ी लेकर खड़े थे। 120 फौजी मतलब बहुत कुछ नहीं होता, एक छोटा सा पोस्ट था, और उसके जस्ट पीछे जोधपुर एयरपोर्ट था। उस समय की जहाजें रात में उड़ान नहीं भर सकती थी, 1971 का जमाना बहुत पुराना था, रात में जहाजें उड़ान नहीं भर सकती थी। पाकिस्तानियों ने क्या किया, अपने पूरा टैंक रेजिमेंट लेके चले हैं सब। टैंक आप देखे होंगे युद्ध में होता है टैंक वगैरह, इस पे बम गोला बारूद का असर नहीं करता है, इस टाइप का रहता है टैंक, यहाँ पूरी की पूरी टैंक रेजिमेंट लेके चले और 6000 फौज लेके चले आए। सोचिए 100 टैंक और 6000 फौज लेके कहाँ चल गए सर, लोंगेवाला, और घुसे सब रात में। उनको पता था कि 100 फौजियों को निपटाने में आधा घंटा लगेगा, टैंके कचार देंगे यहाँ पर, और उसके बाद चल जाएंगे जोधपुर एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट कुछ कर नहीं पाएगी, टैंक से मार के एयरपोर्ट तोड़ देंगे, कब्जा हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ खड़े थे मेजर चांदपुरी, इनको जब खबर हुआ कि 6000 फौजी आ रहे हैं पाकिस्तानी, 6000 और पूरी टैंक रेजिमेंट है उनके साथ, तो मेजर चांदपुरी को ऊपर दिल्ली से आदेश दिया गया कि आप नहीं लड़ पाइएगा, वापस हट जाइए। उन्होंने कहा सवा लखनऊ एक लड़ावा तब गोविंद सिंह नाम लो भाई, उस सिख सरदार है, 1,25,000 से नीचे बती नहीं करता है सन्नागेन। उनका उनका धार्मिक नारा है कि चिड़िया नू में बाज लड़ावा, मतलब चिड़िया से हम बाज को लड़ा देंगे। बाज जब आसमान में उड़ता है ना, कोई चिड़िया नहीं दिखती है, भाग जाते हैं सब, खा जाता है पकड़ के वहां पे बाज, तो चिड़िया नू में बाज लड़ा, गीदड़ नू में शेर बनावा, मतलब गीदड़ को भी शेर बना सके, और 1,25,000 एक लड़ावा तब गोविंद सिंह नाम रखावा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब गोविंद सिंह को अगर मानते हो ना, तो तुम्हारे अंदर हिम्मत ऐसा होना चाहिए कि सामने 1,25,000 की फौज खड़ी हो तो तुम पीछे नहीं हटो। ये मतलब नहीं कि आप 1,25,000 से लड़ लीजिए, 1,25,000 बहुत ज्यादा ही आबाद है, लेकिन मतलब यह है कि अगर तुम अकेले खड़े हो ना, 1,25,000 की फौज भी खड़ी हो तो तुम पीछे मत लौटो यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि हम अकेले 1,25,000 की, 6,000 कौन सी मतलब होता है, अगर तो मार के रद्द कर देंगे यहाँ पे मेजर चांदपुरी के सामने। लेकिन फिर भी देखिए, बहादुरी और अकलमंदी में अंतर होता, आप संख्या बल बहुत मायने रखती है युद्ध में, उनके सामने कोई समस्या था, उनके पास टैंक को उड़ाने के लिए एंटी टैंक माइंस थे जिनकी संख्या महज 3 से 4 थी, और उसके बाद टैंकों की संख्या 100 थी। उन्होंने क्या किया ना, टिफिन जो होता ना खाना खाने वाला, जमीन में टिफिन गाड़ दिए, और आगे थोड़ा सा 1-2-3-4 को माइंस था उसको बिछा दिए। आया टैंक और माइंस पे चढ़ा, उधिया गया, क्या हो गया, उधिया गया, टैंक उड़ गया, पाकिस्तानी डर गया, रे बाप रे इंडिया वाला सब जो है सब माइंस बिछा के रखा है सर, तुम उधर से चलो, उधर से गया तो वो उधिया गया, अगवा 3-4 को ओरिजिनल रखे थे, अब पाकिस्तानी को डर हो गया, जैसे 3-4 को टैंक उधिया आया डरा गया सभी सब, इसे पाकिस्तानी सब यहाँ पे, अब उन सबको लगा कि बहुत टैंक बिछा है, तो इसे पैरों से दाब के देखा सो, अरे बाप रे यो है। अब उसके लिए उस सब बाइक री इन्फोर्समेंट मंगाया सब इंजीनियरों की, और वो इंजीनियर सब टैंक को माइंस को डिफ्यूज करने लगा, इतना डरपोक था सब कि रात भर उन सबको डिफ्यूज करने में लग गया।
सुबह जब रोशनी हुआ तो पता चला खाना खाने वाला टिफिन है। अब रोशनी होने के साथ भारत को एक फायदा तो भारत को एक लॉस भी था। हमारे महज 120 फौजी दिखने लगे सब कि तो इतनी सा है सब, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द था। अब पाकिस्तानियों का मनोबल बढ़ गया कि तो मुट्ठी भर ऐसा, अब 6000 फौज में 120 दिखेगा कहीं, अरे इतनी सा तो 120 हो ये जाएगा समय आप, 6000 यहाँ पे। अब पाकिस्तानी सर टैंक लेके हमला करने लगे समय यहाँ पर, अब हमारे बहुत सारे सैनिक क्या हो गए, शहीद हो गए। अब तब तक सुबह की किरण का इंतजार कर रहे थे जोधपुर पर खड़े एयरफोर्स के जवान, सुबह की किरण हुई जोधपुर से निकले सब हंटर विमान, मारा सब, तबाही मचा दिया सब। पाकिस्तानी अपना टैंक छोड़कर भागे थे सब, आज भी उनकी रिकॉर्डिंग हमारे इंडियन आर्मी के पास रिकॉर्ड है, वो कहते कि पाकिस्तानी हमारे नाक में मधुमक्खी की तरह घुस रहे हैं सब, इंडियन आर्मी हमें मधुमक्खियों की तरह घेर लिए, हमें भागना पड़ेगा। टैंक छोड़कर भाग गए सब यहाँ से पूरा का पूरा। आज भी हमारे आर्मी के म्यूजियम में वो टैंक सही सलामत रखे हैं सब, और वो टैंक अमेरिका ने दिया था कि ये बहुत मजबूत टैंक है।